आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान होते हैं उस पर आधारित जो सारणी बनाई जाती है उससे संबंधित एक शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि बच्चे जब अभ्यास करते हैं इसका और याद करते हैं और लिखने का प्रयास करेंगे तो इस तरह की एक खिड़की नुमा हम सारणी बनाते हैं यहाँ पर। और उस सारणी में हम किस तरह से मान लिखते हैं, ऊपर सभी 30 के 30 त्रिकोणमितीय मानों के मान लिखेंगे। और देखिए जो इसी का एक पेज है, यानी कि ये दो पेज थे जिसमें से ऊपर की तरफ हमने खिड़की बना दी है और नीचे की तरफ इसके मान लिख दिए हैं। अब जब विद्यार्थी अभ्यास करते हैं इसका तो वो देखते हैं कि मान लो उससे उन्हें कोई मान, जैसे कि उसने याद किया और उस मान को वो लिखना चाहता है तो उसने मान लिखा और जांच करना चाहता है तो तुरंत इस खिड़की में से देख लिया, क्योंकि पूरी सारणी जब उसके सामने रखी होगी तो फिर उसको लगेगा कि मुझे याद है या नहीं, उसकी जांच वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इसने बना के रख लिया और अचानक उसने जैसे ही देखा कि 10 60 डिग्री का मान, मान लो वो कुछ भी लिखता है, फिर उसने जाँच करना, तो जैसे ही वो 10 60 डिग्री को देखता है तो यहाँ पर देखता है उसका मान है √3, तो फिर वो अपनी जांच से संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मान लो 37 डिग्री का मान देखना है तो 37 डिग्री वाली खिड़की को खोला, वहां देखा 2√3 है तो वो 2√3 उसका मान ध्यान कर लेता है। इस प्रकार हम इस TLM की सहायता से बहुत आसानी से अपने त्रिकोणमितीय अभ्यास को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के ये रहती है समस्या कि सर हम सामने मानों को देखते हैं तो वो हमें अच्छे से हमें पता नहीं चल पाता याद है या नहीं, तो वो विद्यार्थी इस तरह की खिड़की नुमा आकृतियाँ बनाकर अपने अभ्यास को बहुत अच्छा से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर की तरफ हमने इस तरह से ये खिड़कियाँ बना दी हैं इनके, और इनके ठीक नीचे ही ये सारे मान हमने लिख दिए हैं। और वो कोई बहुत कठिन नहीं है, साथी अध्यापक भी बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं और इस तरह से उसको ढक के, और आप ये चूंकि ले जाने में भी बहुत आसान है, आप इसे फोल्ड करके आराम से कहीं भी रख सकते हैं और बाद में इसका उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो गणित की प्रयोगशालाओं में जो हमारे साथी अध्यापक कई बार सोचते हैं कि हम प्रयोगशाला में किन सामग्रियों को रखें, तो ये भी बहुत एक आसान सामग्री है, इसे हम प्रयोगशाला में रख सकते हैं। ये भी हमारे एक तरह से जैसे विज्ञान के उपकरण होते हैं, इसी तरह से ये गणित का भी एक उपकरण ही है।